एंड वेलकम एवरीवन। आप लोग कैसे हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन के नए स्पीकर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक नया स्पीकर हमारे यहां पास आ चुका है। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या आपको इस टाइप के पार्टी स्पीकर को लेना चाहिए, कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है, क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो वो काफी अच्छी बात हो जाती है। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई एंटप्ले। एंटप्ले इज इंडिया फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लाउड गेमिंग सर्विस, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी डिवाइस में क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, मैक हो या फिर विंडोज हो। टू नो मोर विजिट antplay.tech, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस स्पीकर का नाम है अर्बन बैंग 300। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सामने एक साइड बॉक्स में हम लोग देख ले तो यहाँ पे आपको अर्बन बैंग 300 का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। राइट साइड में लिखा हुआ है वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, ऐसा कुछ हमारे स्पीकर होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें लेफ्ट साइड में कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे की हैवी बेस जो की हम लोग आगे चल के टेस्ट आउट करने वाले, एक्टिव RGB लाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको RGB लाइटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात अप टू 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी मिलने वाला है, IPX5 वाटरप्रूफ भी आपको देखने को मिलने वाला है और TWS फीचर भी आपको देखने को मिलने वाला है। 15 वॉट का स्टूडियो साउंड का यहाँ पे हैवी बेस के साथ आपको स्पीकर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलने वाला है। पीछे साइड और भी कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं। तो बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर देखने को मिल जाता है जो इतना बड़ा साइज का है। उसके साथ साथ आपको एक ऑक्स केबल और एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। अब इसका कोई काम आपको है नहीं क्योंकि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। अब स्पीकर के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा इसका प्लास्टिक की बॉडी है लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे बॉडी आपको देखने को मिलती है। इस स्पीकर के वेट के बारे में बात करूँ तो 2.1 kg का यहाँ पे आपको वेट देखने को मिल जाता है, जो की काफी अच्छा खासा है और फील भी काफी अच्छा होता है जब इसे आप हाथ में पकड़ते हैं। सामने की तरफ आपको यहाँ पे मेटल का ग्रिल देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे LED इंडिकेटर जिससे आपका बैटरी परसेंटेज पता चलता है कि ये स्पीकर कितना चार्ज हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे होल्ड करिए और ये ऑन होते ही लाइट्स जल जाती है कुछ, और एकदम RGB लाइटिंग इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको अर्बन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर आगे भी देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको डुअल बेस रेडिएटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो पीछे साइड आपको कुछ पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इन पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऑक्स केबल का पोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए micro USB का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB A का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको micro SD कार्ड का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस USB पोर्ट की मदद से आप पेन ड्राइव भी इसमें लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने किसी डिवाइस को भी यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। एज अ पावर बैंक की तरह भी आप इस स्पीकर को यूज कर सकते हैं। अब micro SD कार्ड की वजह से आप किसी ऐसे बंदे को भी दे सकते हैं जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, उनको बस मेमोरी कार्ड में कुछ गाने भर के दे दीजिए और वो अपना गाना प्ले कर सकते हैं इसे बहुत ही इजीली। सामने की साइड आपको 7.5 वॉट के 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो कि टोटल पीक आउटपुट 15 वॉट का दे देते हैं। और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए फटाफट से इसका साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। अब ये स्पीकर आपको 3000 का यहाँ पे अर्बन की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। और इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में जो ये साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो बेस प्रोवाइड करता है ना, वो काफी एक अमेजिंग डील की तरह माना जा सकता है। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूं तो साउंड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि पर्सनली मैं बोलूं तो आपको जो यहाँ से आउटपुट आया है ना, वो उतना कुछ खास आपको समझ नहीं आया होगा। जो एक्चुअली इसका आउटपुट है ना, वो बहुत ही अच्छा एक आउटपुट देखने को मिलता है। इसकी बेस की टेस्टिंग भी हमने काफ़ी की, काफ़ी तरीके से मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अलग अलग टाइप के गाने बजा के देखे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करता है। और मैं बोलूँगा अगर आपको कोई हाउस पार्टी करनी या फिर कोई भी पार्टी वार्टी में ले जाना है तो ये स्पीकर काफ़ी एक अमेजिंग डील बन जाती है। फिलहाल हमने कुछ पानी वानी डाल के भी टेस्ट आउट किया था।
इसमें एक और अमेजिंग फीचर है जो कि मैं बोलूं तो TWS का फीचर है, यानी कि आप ऐसे दो अर्बन के बैंक 300 को आप कनेक्ट करके एक स्टीरियो साउंड की तरह बना सकते हैं, एक स्टीरियो स्पीकर की तरह बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि दो स्पीकर आपको लाने और इस बटन को क्लिक करना है दोनों में, इससे ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाएंगे, उसके साथ आप स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। अब फटाफट से इन बटन कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। इस माइनस बटन को अगर होल्ड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी और प्लस बटन को होल्ड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। साथ ही साथ में बात करूं, अगर आपको किसी सॉन्ग को प्रीवियस करना है तो आप माइनस बटन पे एक बार क्लिक करेंगे और अगर फॉरवर्ड करना है तो प्लस बटन पे एक बार क्लिक करेंगे। पॉज और प्ले करने के लिए सिंपली आपको इस बटन को क्लिक करना है, उससे आपका पॉज और प्ले हो जाता है। एम बटन की बात करें तो ये है एक मोड बटन जिसमें आपको अलग अलग टाइप के मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 5 मोड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है ब्लूटूथ का मोड, USB पेन ड्राइव का मोड, माइक्रो SD कार्ड का मोड, FM रेडियो का मोड और ऑक्स केबल का मोड। तो यहाँ पे आपको FM रेडियो से लेके SD कार्ड से लेके सारी तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ उसके बगल वाले बटन की बात करें तो ये है दोस्तों TWS का बटन, जिससे मदद से आप अनपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस किसी से कनेक्टेड है तो आप इसे होल्ड करिए, उससे आपका ये अनपेयर हो गया और आप किसी नए डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे आप ऐसे दो स्पीकर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है और थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑन भी हो जाता है। अब इन ब्लूटूथ स्पीकर में सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है इसकी बैटरी कितनी चलेगी और इसकी बैटरी आपको कितनी देखने को मिल जाती है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर वो 3600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 7 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देती है। और साथ साथ बात करें तो यहाँ पे आपको 4 से 5 आवर्स लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। सो दैट्स ऑल विद अर्बन बैंक 300, यही आपको स्पीकर देखने को मिलता है। काफी एक अमेजिंग स्पीकर मुझे लगा, तो मैंने सोचा यार इसका वीडियो जल्दी से जल्दी बना देते हैं। आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई और क्वेरीज हो तो जरूर से कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अर्जित एंड यू वॉचिंग टेक इन रिसोर्स। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।